आज इस अपडेट वीडियो में आप सबको जानने को मिलेगा हॉनर ऑफ किंग वर्ल्ड गेम के बारे में, डेल्टा फोर्स का बीटा टेस्ट, रेसिडेंट एविल विलेज जो है मोबाइल डिवाइसों में रिलीज हो चुका है, और आखिर में जाते जाते हम बात करेंगे एक्सबॉक्स के आने वाले ऐप स्टोर के बारे में। जी हाँ, प्ले स्टोर को टक्कर दे सकता है। तो ये अपडेट वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो पूरा जरूर देखना। लेकिन पसंद आए तो फटाफट से लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो इसी तरह से डेली वीडियोस देखने के लिए। तो करना तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं डेटा फोर्स के बीटा टेस्ट को लेके, क्योंकि आपको पता होगा कुछ दिन पहले बताए थे इसी महीने इसका टेस्ट शुरू होने वाला है चाइना में, और शुरू हो भी चुका है, जिसका गेम प्ले फुटेजेस भी सामने आ चुके हैं, और देखने में तो यार काफी ज्यादा कमाल का लग रहा है। ऑब्वियसली आपको यहाँ तो दिखा नहीं सकते, अगर आप रिक्वेस्ट करोगे हमारे व्हाट्सएप चैनल पे या फिर कहीं इंस्टाग्राम अकाउंट पे शेयर कर देंगे, तो अगर आप वहाँ फॉलो नहीं किया डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर से जाके फॉलो कर लेना, और भी अपडेट छोटे मोटे प्रोवाइड करते रहते हैं जो आप सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो हम अपडेट की तरफ आ जाते हैं। तो फिलहाल इस गेम का जो टेस्ट किया गया है सिर्फ और सिर्फ पीसी यूजरों के लिए है, और बताया जा रहा है कि मोबाइल वर्जन भी बहुत ही जल्दी रिलीज होने वाला है। अब ये कब होगा एक्चुअल डेट तो अनाउंस नहीं किए, लेकिन मेरी मानो तो 15 से 10 दिन का और इंतजार करना पड़ेगा मोबाइल डिवाइसों के लिए रिलीज होने के लिए। लेकिन आपको पहले ही बता दूं, सबसे पहले इसका चाइना में टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद जाके अल्फा टेस्ट, देन जाके ग्लोबल टेस्ट के बारे में हमें सोचने को मिलेगा। तो मतलब ये जो पहला टेस्ट होगा उस पे हमारा हाथ बिल्कुल नहीं जाने वाला है, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड यूजर को प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन शायद जो दूसरा टेस्ट शुरू होगा उसमें हमें जरूर खेलने को मिल सकता है, तो उसके लिए हमें इंतजार ही करना पड़ेगा। तो देखते हैं वो टेस्ट क्या हम सब खेल पाते हैं, डाउनलोड कर पाते हैं। लेकिन ये जो पहला टेस्ट शुरू होने वाला है उसके ऊपर भी बहुत सारे अपडेट्स आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन रख लेना, क्या पता पहला टेस्ट भी हम सब खेल पाएं। समझ रहे हो? नेक्स्ट अपडेट हमारा आ रहा है रेसिडेंट एविल विलेज गेम को लेके। काफी सारे दोस्त अभी सोचने लगेंगे कि यार शायद ये पीसी अपडेट होगा। पीसी अपडेट नहीं है यार, मोबाइल के लिए ये गेम रिलीज हो चुका है, लेकिन अगर आप एंड्रॉइड डिवाइस यूज करते हो इसके बारे में सोचना भी मत। मगर क्यों? क्योंकि रेसिडेंट एविल विलेज का आप सबको तो पता ही होगा अनाउंसमेंट हो चुका था iOS डिवाइसों के लिए, उसका प्री रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हुआ था ऐप स्टोर में, तो फाइनली इस गेम को आप डाउनलोड कर सकोगे ऐप स्टोर से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए हैं। लेकिन जा रहे हो और iOS डिवाइस है आपके पास, तो बता दूं अराउंड 16 GB के आसपास गेम का साइज है, तो उसी हिसाब से डाउनलोड करना। गेम तो काफी कमाल का है, आप सब बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है जो हमारे दोस्त अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पास iOS डिवाइस होगा, जिनके पास भी नहीं है आपका भाई उस लिस्ट में शामिल है, क्योंकि हम मैं गरीब हूँ। तीसरा अपडेट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है हम सबके लिए जो मोबाइल डिवाइस में गेम खेलना पसंद करते हैं और खासकर परचेज करना पसंद करते हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि एक्सबॉक्स एक मोबाइल ऐप डेवलप कर रहा है जो एप्पल के ऐप स्टोर और गूगल का गूगल प्ले स्टोर जैसा होगा। यानी बेसिकली हमें एप्लीकेशन डाउनलोड करने का मौका मिलेगा, जिसमें बताया जा रहा है कि कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, वॉरजोन मोबाइल और कैंडी क्रश जैसे गेम्स भी शामिल होंगे। मतलब अगर ये एक्सबॉक्स का ऐप स्टोर आ जाता है तो प्ले स्टोर से और ऐप स्टोर से शायद हट सकता है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल और वॉरजोन मोबाइल भी। और सिर्फ यही नहीं, उसके साथ साथ थर्ड पार्टी टाइटल्स भी इसमें ऐड किए जाएंगे। मतलब ये जब ऐप स्टोर रिलीज हो जाएगा तो डेवलपर के पास दो दो ऑप्शन रहेंगे कि वो अपना गेम या फिर एप्लीकेशन एक्सबॉक्स ऐप स्टोर पे रिलीज करें या फिर प्ले स्टोर पे भी रिलीज करें, लेकिन दोनों में ही कर सकते हैं। लेकिन इसमें एडवांटेज ज्यादा है, उनको ज्यादा फैसिलिटीज मिलेगा पेमेंट के सेक्शन में, और साथ में जो गेम को डाउनलोड करेंगे एक्सबॉक्स के ऐप स्टोर से उनमें भी काफी ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। सिंपल वर्ड में आपको बता दूं, अगर आप गेम को डाउनलोड करते हो चाहे वो फ्री गेम हो या फिर पेड गेम हो, और इन गेम परचेसेस जो आप करते हो उसमें आपको भारी भरकम डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो देखा जाए तो ये ऐप स्टोर दोनों के लिए काफी खास होने वाला है। बताया जा रहा है कि 2024 के आसपास ये ऐप स्टोर आपको देखने को मिलेगा, तो देखते हैं ये आने के बाद क्या इम्पैक्ट होता है प्ले स्टोर पे और ऐप स्टोर पे। आपको क्या लगता है, इसे आना चाहिए या फिर नहीं, कॉमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, समझ गया। और वीडियो का आखिरी अपडेट आ रहा है टेंसेंट की तरफ से, और टेंसेंट का नाम सुनते ही आपको पता होगा नया गेम आ रहा होगा, और साथ साथ
जो भी गेम आ रहा होगा इंडिया में तो बिल्कुल रिलीज नहीं होगा। ये तो हमें फ्यूचर में पता चलेगा रिलीज होगा कि नहीं, लेकिन गेम के बारे में जरूर जान लो। बहुत ही कमाल का गेम वो बना रहे हैं और बहुत ही जल्दी मोबाइल डिवाइस में रिलीज भी होने वाला है। जिस गेम की बात कर रहे हैं उसका नाम है हॉनर ऑफ किंग वर्ल्ड, जिसका ऑन स्क्रीन आप गेम प्ले फुटेजेस भी देख पा रहे हो। गेम तो बहुत ही कमाल का लग रहा है, जिसके विजुअल ग्राफिक्स और साथ में ये ओपन वर्ल्ड होगा, मतलब प्लेयर जेंशिन इंपैक्ट जैसा ही फील ले पाएंगे, हालांकि उससे थोड़ा डिफरेंट बन सकता है गेम। और गेम के नाम से ही तो आपको पता चल चुका होगा हॉनर ऑफ किंग्स के यूनिवर्स में ये गेम सेट किया जाएगा, जिसमें स्टोरी भी होंगे, अलग अलग कैरेक्टर्स भी हम यूज कर पाएंगे और हर कैरेक्टर का अपना एक यूनिक एबिलिटीज भी होगा, जो मॉन्स्टर के अगेंस्ट फाइट करने में मजा भी आएगा। तो देखते हैं ये गेम कब आता है और क्या ये गेम इंडिया में रिलीज होगा, इसके ऊपर सबसे बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन पर्सनली मैं इस गेम के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ। आप सब हुए हो गेम प्ले देखने के बाद या फिर नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। तो इसी के साथ आज की इस पंचायत को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा, तो फटाफट से लाइक कर दो, शेयर कर दो। और भी वीडियोस प्रिपेयर कर रहे हैं, धीरे धीरे सब कुछ अपलोड करेंगे। अपडेट के अलावा भी दूसरे वीडियोस को देखा करो, क्योंकि काफी सारे नए गेम्स रिलीज हो रहे हैं और उसका गेम प्ले रिव्यू वीडियो हम आप सबके लिए बना भी रहे हैं। कल के दो वीडियोस को नहीं देखा है जरूर से जाके देख लेना, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो आने वाले इसी तरह से वीडियोस देखने के लिए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में फाइन एपिसोड के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।